टीम इंडिया 6 दिसंबर से एडिलेड के मैदान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच की शुरुआत करेगी। बता दें कि वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व खिलाड़ी माइकल हसी ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर कहा है कि इस खिलाड़ी को टीम में न होना टीम इंडिया के लिए भारी पड़ सकता है। बता दें कि सितंबर में एशिया कप के दौरान कमर के निचले हिस्से में चोट लगी थी पांड्या को और उसके कारण वो टीम से बाहर हैं। जबकि हसी ने कहा कि पांड्या के दमदार खेल से टीम इंडिया को काफ़ी सपोर्ट मिलता है और ये उनकी कमी भारत को जरूर खलेगी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की जमी पर एक बार फिर टीम इंडिया अपने हौसले और बुलंद इरादे के साथ जब उतरेगी तो देखना ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि इस समय आउट ऑफ फॉर्म चल रही है वो अपना कितना दम दिखा पाएगी। तो वहीं हसी ने टीम इंडिया की गेंदबाजी को सराहा तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी को आक्रमण और उम्दा बताया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया को उसकी धरती पर हराना कठिन है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती भारतीय कप्तान विराट कोहली के बल्ले पर अंकुश लगाने की होगी और हसी ने कहा कि मेजबान गेंदबाजों को भारतीय कप्तान के सामने संयम बरतना होगा। उन्होंने अभी कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम कोहली के खिलाफ तैयारी से उतरेगी लेकिन उस पर अमल करना जरूरी है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।